बहुत दिनों से था कि बेर का अचार डालना है, और अच्छे से बेर अब सूख चुके हैं, तो चलिए आज बेर का अचार डाल ही लेते हैं। और जो मासी थी उन्होंने ये मेरे को बताया था कैसे डालना है, तो चलिए देखते हैं कि बेर का अचार डालते हैं और कैसा बनता है ये। मैं भी पहली बार इसको डाल रही हूँ, सबको देख के मन करता ही है कि हम लोग भी थोड़ा सा डाल लें। हमारे यहाँ तो बेर होते नहीं है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो सोच रही हूँ कि इस बार बेर का अचार ही डाल लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बेर हैं इनको पहले इस तरह से तोड़ लेना है। तो सारे बेरों को इस तरह से पहले तोड़ लेंगे और उसके बाद इसको साफ पानी में एक दो बार अच्छे से धो लेंगे। तो पहले मैं इनको तोड़ लेती हूँ और उसके बाद साफ पानी में धो लेती हूँ। और ये रहा गुड़, तो गुड़ को भी चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुड़ का पानी, और कलर देखिए कितना, इसीलिए पानी बना के इस गुड़ के पानी को साफ़ कर लेंगे। तो पहले बना लेते हैं गुड़ का पानी। यहाँ पे अचार में डालने के लिए मैंने मसाले अभी तैयार करने हैं, इनको ड्राई रोस्ट करना है। तो लाल मिर्च और ये सौंफ और जीरा, इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे सबसे पहले, फिर उसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे गुड़ भी गल चुका है और इसको अब मैं ठंडा होने के बाद छान लूंगी। ये सौंफ, इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाता है, धीमी आंच पे कर लेंगे। अब लाल मिर्ची को भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, बंगाली में लाल मिर्ची को बोलते हैं लौंगका, लौंगका बोलते हैं ना, मासी बोल रही थी लौंगका, और हरी मिर्ची को कच्चा लौंगका। सारे जो मसाले हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लिया है, और ये रही मिर्ची, इसको भी गुड़ को इस तरह छान लेना है, क्योंकि इसमें कंकड़ भी हो सकते हैं, तो इस तरह गुड़ के पानी को छान लेंगे पहले। कढ़ाई को गैस में चढ़ाएंगे और अब इसमें डालेंगे गुड़ का पानी और जो बेर धो के रख दिए थे सूखे हुए वो। बस अब इसे पकने देंगे जब तक कि ये बिल्कुल सूख न जाए। यहाँ पे नमक भी मैं डाल देती हूँ, जिससे कि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा भी डालती हूँ, थोड़ा देखूँगी कम पड़ेगा तो फिर बाद में डालेंगे। तो पकने देंगे इसको। अब कलर बस देख के पानी बिल्कुल सूख चुका है, बस थोड़ा ही बचा है, तो इसको इस तरह ही पकना है। और गल भी चुके हैं बहुत सारे बेर, इसमें गल भी चुके हैं, तो बहुत अच्छा बन गया है। बस इसमें मसाले डालने बाकी हैं, क्योंकि लाइट चली गई है, तो मसाले मैंने भून के तो रखे हैं, पीसने बाकी हैं, फिर इसमें मसाले पड़ेंगे, तो फिर ये एकदम तैयार हो जाएगा। मसाले पीस लिए हैं, ये है सौंफ जो मैंने दरदरा पीसा है, तो ये पहले डाल लेते हैं। और धनी नहीं नहीं जीरा, इसको भी, और लाल मिर्ची। अब कर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इस अचार को मैं इस डब्बे में भर देती हूँ, इसमें आप चाहे तो शीशे के जार में इसको भर के रख सकते हैं। तो ये बन चुका है मेरा बेर का अचार, जो डिब्बे में मैंने भर के रख दिया है। और
और चख के देखते हैं कैसा बना है। बहुत टेस्टी है। तभी मासी इनको खूब सारे बिन के लेके जाती है। जैसे आम का अचार रहता है उसी तरह का खट्टा मीठा, पर ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है क्योंकि बेर खट्टी मीठी होती है। बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको इस तरह का अचार बनाना है तो रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए।